अब तक कोई पदाधिकारी बात करने नहीं आया, अब हम जो है उग्र होकर के जाकर के सरकार के पदाधिकारियों से बात करेंगे। इस समस्या का समाधान आप कर रहे हैं, केवल इस सूबे में बिहार राज्य में सामान्य शिक्षा से सब कुछ हो जाएगा? उनके अधिकार को मैंने दिलाया और मेरा अधिकार से खुद हमें ही वंचित रख रही है ये गूंगी बहरी सरकार। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़24। इस वक्त मौजूद है गर्दनबाग धरना स्थल पर। आपको बता दें 22 दिन हो चुके हैं मगर विशेष शिक्षक के द्वारा धरना जो दिया जा रहा था 21 नवंबर से, वो अभी तक चलता आ रहा है, बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष ना के बराबर ही निकली है। हमारे साथ अभी भी वही लोग जुड़े हुए हैं जिनसे आप साफ तौर पर परिचित होंगे ही, क्योंकि 22 दिन से हम यहाँ पर आ रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। क्या लग रहा है आपको, आगे चलकर क्या होगा? देखिए, आप तो 22 दिनों से हम लोगों का न्यूज कवर कर रहे हैं, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार के तंत्र में बैठे उन पदाधिकारियों के कान में जो तेल डाल करके सो रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि यह 22 दिन ये हमारे लिए संकट की घड़ी नहीं है, बल्कि अब जो है सरकार के तंत्र में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए अब संकट का दिन खड़ा होगा। कल तक आप शांत दिख रहे थे, कल तक आप शांतिपूर्ण हड़ताल ही कर रहे थे, लेकिन आज क्या लग गया आपको कि अब तक पूरा नहीं होगा तो कुछ करना ही पड़ेगा इसके लिए? बिल्कुल, देखिए हम तो आपसे कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अब हम आवास का भी घेराव करेंगे, हमारा भी सब्र का बांध टूट रहा है, लेकिन धरना से नहीं, प्रदर्शन से नहीं। अब तक कोई पदाधिकारी बात करने नहीं आया, अब हम जो है उग्र होकर के जाकर के सरकार के पदाधिकारियों से बात करेंगे। आप बताइए, आपके घर में यहाँ आपके पीछे में आग लगी हुई है और आप जिला जिला घूम करके पता कर रहे हैं कि कहाँ आग लगी है? किस बात के आप पदाधिकारी हैं, किस बात के आप IAS हैं, किस समस्या का समाधान आप कर रहे हैं? केवल इस सूबे में बिहार राज्य में सामान्य शिक्षा से सब कुछ हो जाएगा? उन दिव्यांग बच्चों का क्या पढ़ाई लिखाई का हो रहा है जो विगत 22 दिनों से पठन पाठन से औचित्य छूटे हुए हैं, पठन पाठन से क्या कहते हैं दूर हैं? और हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध यही है कि हम अपनी संरक्षित अधिकार का मांग कर रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं। और नहीं तो आप क्या कहते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये इनका बजट भी बन रहा है, 30 दिसंबर के बाद देखते हैं कि यह किस तरीके से अपना बजट बनाते हैं। इनको सब पता, इनकी औकात चल जाएगी, हमारी औकात, हम यहाँ बैठे हुए हैं। इनको ये लग रहा था कि 4 दिन 5 दिन बैठ करके भूख प्यास से जब तड़पने लगेंगे तो हम चले जाएंगे, लेकिन हम पहले ही दिन कह दिए थे कि हम एक वक्त खाएंगे और एक वक्त आधा पेट खाएंगे, लेकिन अपनी लड़ाई को पूर्णतया तरीके से लड़ेंगे, पूर्ण लड़ेंगे, और जब तक हमारा सामंजन नहीं हो जाता तब तक यहाँ से हम नहीं जाएंगे। और ये जो सोच रहे हैं हम लोगों के बारे में, हमारी सोच उनके बारे में इस तरह की नहीं है। हम फिर भी नम्र भाव में निवेदन पूर्वक, आग्रह पूर्वक यही कहते हैं कि ACS साहब, पाठक सर, आप हम लोगों की बात को सुनिए, समझ गए हैं, फाइल केवल सिग्नेचर करने की ज़रूरत है, सब कुछ बन करके तैयार है, आप करके हम सभी समावेशी शिक्षकों का आशीर्वाद लीजिए। आपकी भी क्या कहते हैं परिवार, आपकी भी औलादें कि फलेंगी फूलेंगी, लेकिन यदि कहीं हमारी आह निकली तो फिर मुई खाल की श्वास सो स्वार भस्म हो जाए, मुए हुए खाल से मैंने लोहा भी जिसको बहुत हम मजबूत मानते हैं वह गला देता है। इस बात को पदाधिकारियों को भूलना नहीं चाहिए। और हम यदि भूखे हैं तो यह मत समझिए कि कहीं का आप अभियान में सफलीभूत हो रहे हैं, हम देखते हैं कि आप बजट कैसे बनाते हैं, और आप आइए मैदान में। हम तो कहते हैं कि आप बैठ करके बात तो करिए, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे 5 व्यक्ति आपके 5 IAS अधिकारियों से बात करने के लिए हर क्या कहते हैं नीति पर तैयार हैं, आप इसलिए बात नहीं करना चाहते हैं, जानते हैं कि आप बात करेंगे आप बात में हार जाएंगे, तो इनकी बात को, अरे हमारी बात को माननी क्या पड़ेगी? शर्त नहीं है, हमारी बात को मानना सरकार के लिए शर्त नहीं है, हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इन्हीं के सरकारी तंत्र में सचिवों ने निकाला है, मुख्यमंत्री के जब जब सचिव रहे हैं, कि संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग, लघु संविदा इत्यादि जो भी हैं किसी विभाग में हैं,
और यदि नियमित नियुक्ति करती है तो उनको सामंजित करके तब से इस पदों पर बहाली की जाए, तो क्या आपको दिक्कत है भाई? क्यों आप नहीं सुन रहे हैं? और नहीं सुनेंगे तो भी सुनेंगे, और ये कैसे सुनेंगे? अभी वित्तीय बजट आने वाला है, देखिए इनका क्या हश्र होता है, कैसे चलाएंगे? 3 दिसंबर इनका फेलियर हुआ, कहीं कहीं जिलों में मंगाया। 3 दिसंबर पर भी हम बातें करेंगे, एक बात बताइए, 21 नवंबर से आप लगातार धरने दे रहे हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, सरकार भी गर्दनी बाग धरना स्थल पर देखने अभी तक आई है? नहीं, सरकार भी नहीं आई है। 3 दिसंबर को अगर चाहती तो दिव्यांगता दिवस पर 2 शब्द ही बोल सकती थी सरकार, लेकिन वो भी उनसे नहीं बोला गया। क्या लग रहा है जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि विशेष का दर्जा एक तरह से उन्होंने ही दिया था। जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे शुरुआती दौर में, जब इस फील्ड में आए, तो हम लोग कहा जाता है कि जो ऐसी अब मत थी कि दिव्यांगता पिछले जन्म का पाप है, उस दृष्टिकोण से हमने लोगों को निकाला, समाज से अलग किया कि नहीं, ये पिछले जन्म का पाप नहीं है, कुछ हमारी गलतियां होती थी इसकी वजह से, लेकिन उनको तो निकाल दिए, इन वो पाप हमारे साथ ही कोर्स करके बैठ गया है। दृष्टिहीन सूरदास भी थे, पिछले जन्म का पाप था, नहीं वही बात तो हमने लोगों को बताया, निकाल दिया, लेकिन जो गूंगी बहरी सरकार है, जो हमारी भावनाओं को नहीं समझ पा रही, हमारे अधिकार से को नहीं समझ पा रही है, जिनका अधिकार, जो बच्चे थे जो इस तरह के दिव्यांगता से ग्रसित है, उनके अधिकार को मैंने दिलाया और मेरा अधिकार से खुद हमें ही वंचित रख रही है ये गूंगी बहरी सरकार, नहीं सुन पा रही कि ये इनका अधिकार है। 22वां दिन है, 22 दिन में उनके कोई एक अंग हमसे मिलने तक नहीं आया, क्योंकि जान रहा है कि हम उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे भाई, कोई बाध्यता है, तुम आकर के मिलो, हमारी जो बातें हैं उसको सुनो, मानना हो मानना, नहीं मानना हो चले जाना, लेकिन उनकी मजबूरी है कि अगर यहाँ आ जाएंगे तो उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा अधिकार है और हम इसी अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए, और जब तक ले अपना अधिकार प्राप्त नहीं करेंगे, सरकार को मानना ही पड़ेगा, मना करके ही यहाँ से और अधिकार ले करके ही जाएंगे। एक सवाल है कि कुछ महीने पहले जाएं तो मांग, जितने भी लोग मांग रहे हैं अपनी, या तो उन पर लाठीचार्ज हो रही है या फिर कोई एलिगेशन अल्टीमेटम जैसे आप लोगों पर भी जारी किया गया था कर दिया जा रहा है। बात करें जुलाई की, तो सामान्य शिक्षक ने अपना हक मांगा था, उन पर लाठीचार्ज कर दी गई थी। थोड़े दिन बाद आशा कार्यकर्ता थी, उन पर भी लाठीचार्ज कर दी गई, उन पर तो बहुत ज़्यादा हुआ था आपको पता होगा। उसके बाद बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों पर भी वैसा जोर अपनाया जा रहा है, तो कहाँ पे बिहार सरकार चूक रही? हम लोग जैसा कि सोच रहे कि अगर लाठिए खाने के बाद मिलता है तो हम लोग लाठिए खाने के लिए चलना पड़ेगा। अगर सरकार कोर्स लाठी खाने के लिए किए थे, आप लोगों ने कोर्स किया है, लाठिए खाएंगे शांति तरीके से, जो प्रदर्शन के लिए होता था, नियमानुकूल था, हमने बैठ गया कि हमारी बातों को सुनने के लिए आएंगे। अगर ऐसा आप नहीं मानेंगे तो 1-2 दिनों में हम लोग भूख अनशन, क्रमिक अनशन का हम लोग अल्टीमेटम आज देने जा रहे हैं कि हम लोग क्रमिक अनशन लेना है, 1 दिन का अनशन बढ़ेगा, 2 दिन का अनशन बढ़ेगा, 3 दिन का, और हमारा अनशन की तरफ हम जाएंगे। हम लोग लाठी खाने के लिए नहीं आए हैं, लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार है, लेकिन उनको स्वयं यहाँ आना होगा, यहाँ से भगाने के लिए होगा या उठाकर को जहाँ फेंकेंगे, लेकिन यहीं आना पड़ेगा, ये हम तैयार है इसके लिए। एक आखिरी सवाल लेंगे, अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, जैसा कि हमारे साथी ने बताया आपको कि आप कह रहे थे कि लाठी खा करके ही यदि हमको अधिकार सरकार देती है तो हम सरकार को तो आमंत्रित करते हैं कि आओ गर्दनी बाग में तुम लाठी चलाओ और हमारा अधिकार दो, हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि हम उपद्रव करें, हम उपद्रवी नहीं हैं, उपद्रवी जो होते हैं वह उपद्रव करते हैं। हम एक सभ्य समाज के सभ्य नागरिक और सभ्य विशेष शिक्षक हैं, और यह जो है उदाहरण मैं आपको बता दूं कि हमारे बिहार में उन दिव्यांग बच्चों ने दिखाया है संस्कारित होकर के, कि आज दिव्यांग बच्चों ने क्या कहते हैं पूरी दुनिया में, पूरे शिक्षा के क्षेत्र में हर क्या कहते हैं जगह जा करके एक मिसाल कायम किया है। तो सरकार क्या कहते हैं जो है, जो उसकी मंशा है उसको पूरा कर ले, लेकिन हमारी मांग पूरा कर दे, हम मना कहाँ किए हैं? उसको लाठियाँ मारना है तो यहाँ सभी लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं, तुम सब लाठी मारो, लेकिन वो उपद्रव हम नहीं करेंगे कि वो लाठी मारेंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है जग जाइए, आप आइए, हमारी बात को सुनिए, और उसको आपको लगता है कि मानना चाहिए तो आप क्या कहते हैं जो है आदेश निकालिए, निर्गत करिए।
कि भाई इनका जो है इनका मांग मानने योग्य है और इनका जो है क्या कहते हैं सामंजन उस पद पर किया जा रहा है, और नहीं तो फिर आगे की रणनीति जो होगी हमारी इतनी मने ये समझिए कि इतनी गंभीर होगी कि सरकार ने कभी सोचा नहीं होगा इनका एक रुपया बजट में पास नहीं होने देंगे, और इस वित्तीय वर्ष का जो पैसा है अभी खर्च नहीं हुआ एक रुपया खर्च भी नहीं होने देंगे 3 दिसंबर के नाम पर गलत तरीके से। पदाधिकारियों से मौखिक आदेश करवा करके जिले में कुछ जगह पर शिकायत मिला है कि बिना बच्चों का ही विश्व दिव्यांगता दिवस मिला गया। RTI मांगेंगे हम लोग, किन बच्चों पर काम किया गया, कहाँ के बच्चे हैं, कितना पैसा खर्च हुआ, ये धन केवल क्या कहते हैं उसको धन को जो है लूटने का काम किया। अपनी गलतियाँ छुपाई जा रही है, वहाँ गलती छुपा रहे हैं। ये परियोजना से कोई लिखित लेटर नहीं है, परियोजना का पदाधिकारी जिला को कहा कि जल्दी से करो नहीं तो तुमको हम जो है तुम्हारे ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे, तो वो जिला का पदाधिकारी जो है अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, जो कि मौखिक आदेश पर इस तरीके का कार्यक्रम करा ले बिना विशेष शिक्षकों का विश्व दिव्यांगता दिवस कैसे मना लिया गया भाई। बहुत सारे जिलों का यह रिपोर्ट आया है, RTI के माध्यम से सरकार को जवाब देना पड़ेगा, बिहार शिक्षा परियोजना जवाब देगी कि क्यों मनाए, और इनका 1 रुपया न इस वित्तीय बजट का खर्च होने देंगे और न आगे आने वाले में 1 रुपया इनको मिलेगा, और ये सुनेंगे क्यों नहीं, खूब बढ़िया से सुनेंगे। लाठी इनको मारना है करके यहाँ लाठी मार ले सबको, 10-10 लाठी मार ले, हम लोग सब लोग खाने के लिए तैयार हैं। यहाँ हमारी महिला सशक्तिकरण की महिलाएँ भी हैं, ये वीरांगनाएँ हैं, आप महिला सशक्तिकरण का जो है गुणगान करते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। यहाँ हमारी क्या कहते हैं बहन जो है दृष्टिबाधित हैं, रानी शर्मा, इनकी पीड़ा क्या है, हैं जी, क्या मैंने क्या मैंने इनका क्या दोष है, क्या दोष है, ये अपना अधिकार मांग रही हैं, ये यदि मानवाधिकार में गई तो सरकार को क्या कहते हैं घुटना टेकना पड़ेगा। 22 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी विशेष शिक्षकों का धरना जारी है। अब देखना होगा आगे चलकर सरकार निष्कर्ष निकालती है या फिर ऐसी अनसुनी, जिस तरह से अभी तक किया है उसने ऐसी करके अनसुनी करती रहती है। आगे चलकर देखना होगा कि कितने उग्र, कितने हद तक उग्र हो सकते हैं विशेष शिक्षक अपने हक को पाने के लिए। तो ऐतिहासिक रिपोर्ट, बाकी ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो, देखते रहे 24। मैं नंदन, अपने सभी के साथ धन्यवाद।